दोस्तों नमस्कार, मैं अवनीश दुबे नेशन फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। आजकल देश के अंदर आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे जहरीले कीड़े घूम रहे हैं और अभी जहर उगलने का काम सिर्फ कर रहे हैं, अभी डसने का काम बाकी है जो कि जल्द ही वो भी शुरू कर देंगे। कुछ लोगों के बयान ऐसे आए कल, जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बयान दिया कि 800 सालों से हम राज कर रहे हैं, कुतुब मीनार हमारी है, लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है, बहुत सारी इमारतें उन्होंने ऐतिहासिक गिनाई, लेकिन शायद इतिहास की जानकारी उनको अभी है नहीं, क्योंकि जिस देश में वो रहते हैं उसके कितने नाम हैं शायद वो उनको नहीं मालूम होगा, जिसमें आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, सोने की चिड़िया, इतने सारे हमारे देश के नाम हैं। लेकिन उनके समझ में ऐसा आता है कि जो सिर्फ भारत के ऊपर जो मुगल आक्रमणकारी आए, जो घुसपैठिए आए, उनको लगता है कि सिर्फ उन्हीं ने भारत पर शासन किया, उन्हीं की ये देन भारत देश है। जबकि देखा जाए जैसे जैसे इतिहास बदला वैसे वैसे इस देश का भूगोल भी बदला। हमारी सीमाएँ यहाँ से नहीं, हिंदू कुश पर्वत से शुरू होती थी। और उनके ज्ञान के लिए मैं उनको बता दूँ कि जो आज वो कर रहे हैं थोड़ा सा भी उसमें अंतर नहीं है जो इतिहास में हुआ है, क्योंकि जिन्होंने जिनका नाम उन्होंने कल गिनवाया कि ये वो फलाना ढिकाना हमारे बाप थे, हमारे पूर्वज थे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनके पूर्वजों ने हमेशा इस देश का टुकड़ा ही किया है। और चाहे वो जिन्ना की सोच से लेकर ओवैसी तक भी, इनके बाप दादे भी उनमें संलिप्त थे, लेकिन इस देश को ऐसे बयानों से, इस देश के जितनी भी जनता यहाँ की मूल है, चाहे उसमें कोई भी आता हो, चाहे उन्होंने धर्म परिवर्तन ही क्यों नहीं किया हो, चाहे वो हिंदू हो, सनातन हो, उनको आंदोलित करने का कोशिश ये कर रहे हैं, ये देश का माहौल ऐसा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे नेता। अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आया था कि मुस्लिमों के कहने पर हमने जो है महाराष्ट्र में सरकार बनाई। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ मुस्लिमों के नाम जो है समाज को लेकर चलते हैं? क्या हम लोग इस देश का हिस्सा नहीं हैं? अगर इस देश का हिस्सा नहीं है तो फिर हमसे आप वोट क्यों मांगने आते हैं? क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं सिर्फ आपको वोट देने के लिए पैदा इस देश के अंदर हुए हैं? आपको लगता हो कि आपकी मानसिकता अगर देश के लिए हितकर है तो समाज के अंदर खुल करके सभी का साथ दीजिए, सबकी बातें करिए। आप सिर्फ एक धर्म की बात करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ऐसे नेता जो लाल किला और ताजमहल की बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके बाप दादे आए कहां से थे जिनके भी नाम वो गिनवा रहे हैं, और जहां से आए थे वहां पर ये लाल किला क्यों नहीं बनवा पाए, वहां पर ये ताजमहल क्यों नहीं बनवा पाए? लाल किला और ताजमहल से भी पुरानी पुरानी हमारी धरोहरें हैं, हमारे मंदिर हैं। इतना बेहतरीन आर्किटेक्चर था कि जो कि आज के डेट में आज के वैज्ञानिक शोध उस पर करते हैं और उसका कहीं सिरा नहीं उनको मिलता है। हमारा देश शुरू से ही सोने की चिड़िया था, जब मुगल आए तब भी सोने की चिड़िया था, और हमेशा इन्होंने लूटने का काम किया, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई हो। मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगा जो भी देश का टुकड़े करने की बात करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनका भी मूल यही है, यहीं पर वो पैदा हुए, उनके पूर्वज पैदा हुए, और यहीं पर उनको भी मरना है। और जो लोग कब्रों को दिखाकर बोलते हैं कि हमारे सबूत हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा